ट्रेन टिकट खुद से ही अपने ही मोबाइल पर बुकिंग करने के लिए आपके मोबाइल में IRCTC का एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। इसके लिए आप प्ले स्टोर से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। और आपको एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करते नहीं आता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स पर, तो मैं एक न्यू वीडियो ला करके डाल दूंगा जिससे आप उसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं देख करके। तो सबसे पहले अपने मोबाइल पर IRCTC का एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। ये ओपन हो रहा है, इसे ओके कर लेंगे। ये कोरोना का कुछ गाइडलाइन रहता है। प्लान माई जर्नी पर क्लिक कर लेंगे। जहाँ मैं एरो दिखा रहा हूँ वहाँ आपको देखते चलना है। इसके बाद फ्रॉम अपना स्टेशन चूज कर लेंगे, जहाँ से आपको जर्नी स्टार्ट करना है, जहाँ से यात्रा करना है वो स्टेशन का नाम डालेंगे और सजेस्टिंग में आ जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो मैं अपना डाल दे रहा हूँ फटाफट। तो मुझे यात्रा करना है दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से रीवा के लिए। तो मैं ये फ्रॉम में आनंद विहार और टू में रीवा डाल दिया। डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डेट को आपको यात्रा करना है वो डेट सेलेक्ट कर लेना है। मुझे 8 फरवरी को यात्रा करना है, मैं 8 फरवरी डाल देता हूँ और सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देंगे। उस लाइन की ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद इसे रिफ्रेश कर लेंगे अगर इस तरह का आता है तो, और आप सीट चूज कर लेंगे। आपको S2 SL AC में करना है ट्रैवल तो AC कर लीजिएगा, या स्लीपर कर लीजिएगा, या 2 सीट कर लीजिएगा। जिसमें आपको यात्रा करना है उसे चेक करके और सीट अवेलेबिलिटी आप देख लेंगे, उसे आप बुक करिएगा। तो मुझे 8 फरवरी को यात्रा करना है सेकंड सीट में। और इसके बाद पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जहाँ भी मैं एरो दिखाता चलूँ उसे आप देखते चलना है और मेरी आवाज़ भी सुनते चलना है। तो यहाँ पे आपको अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पिन आपको मिल जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो लॉगिन पिन आपको खुद से बनाना पड़ता है। लॉगिन पिन और कैप्चा डाल के लॉगिन कर देंगे। कन्फर्मेशन को एग्री कर देंगे एंड इन्फो को ओके कर देंगे। और अपना एड्रेस फिल कर देंगे। तो मैं अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ फटाफट। इस फॉर्म को आपको भर देना है। एड्रेस में जैसे मैं सीधी डाल दिया और फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने हिसाब से आपको अपना एड्रेस डाल देना है। आपका जो भी एड्रेस होगा, जो मेरा एड्रेस है वो मैं डाल दिया, अपना पिन डाल दिया। और इसके बाद नाम डाल देना है। नाम फिल कर देना है। इसके बाद एज फिल कर लेना है और अपना जेंडर फिल कर लेंगे। इसके बाद ऐड पैसेंजर को क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे और रिव्यू जर्नी पर क्लिक कर लेंगे। लोडिंग कैप्चा हो रहा है, कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा हमें फिल करना पड़ेगा। प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, तब अमाउंट भी देख सकते हैं 293.05 पैसा मेरा लग रहा है। कैप्चा मुझे मिल चुका है तो मैं यहाँ कैप्चा फिल कर दूंगा। और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। मैं मूवी क्विक से अपना पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे को ज़्यादा इजी लगता है। एंड क्रेडिट कार्ड से या आप डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग या UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपना डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ। तो मैं अपना डेबिट कार्ड नंबर, CVV नंबर एंड एक्सपायरी डेट यहाँ पर मैं फिल कर ले रहा हूँ अपना। आप अपना करेंगे तो चलिए मैं फटाफट करने के बाद आगे चलते हैं।
मेरा फिल हो चुका है। फिल करने के बाद पे नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। पेमेंट हो रहा है। आपके बैंक के तरफ से एक OTP दी जाएगी, उसे आपको यहाँ पे डालना है। बैंक के द्वारा दिया गया ये OTP आपको यहाँ डालना है, कॉपी करके पेस्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। पेमेंट प्रोसीड पर है। मेरा पेमेंट हो चुका है, कन्फर्म टिकट भी मिल चुका है मुझे, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फाइनली मेरा टिकट कंप्लीट हो चुका है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चाहें आप तो इसे किसी को शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ से आप शेयर पर क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको शेयर करना है, जिसे भी भेजना है आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें। थैंक यू।